हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टोस्टी के टेस्टी किचन में। आज मैं बनाऊंगी पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी मतलब गर्मी के दिन में खाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पुदीना बहुत ठंडा करता है पेट के लिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो ये इसके बहुत सारे तरीके हैं चटनी बनाने के, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी ये पुदीने की चटनी आप किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश पुदीना, मिंट लीफ यानी पुदीना का पत्ता, और कोरिएंडर लीफ यानी कि धनिया का पत्ता। ये दोनों मैं, ये पुदीना का पत्ता मैंने इतना सारा लिया है, आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये धनिया का पत्ता लिया है। उसके उससे बिल्कुल थोड़ा सा हमें धनिया का पत्ता चाहिए और बहुत सारा पुदीना का पत्ता चाहिए। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये पुदीने के पत्ते के ये जो स्टीम्स है ना, ये इस तरह से, ये जो लीफ है ये केवल मैं लीफ निकालूंगी, और ये जो स्टेम है, स्टेम ये जो तना है ये मैं छोड़ दूंगी, और इसके लीफ को आपको सबको प्लक कर लेना है यानी तोड़ लेना है। तो चलिए हम लोग पहले, सबसे पहले इसे सारे पत्ते को हम लोग निकाल लेते हैं, फिर मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ फिर हमें क्या करना है। बहुत ही ईजी रेसिपी मैं बताऊंगी आपको, झटपट ये 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम पत्ते को निकाल लेते हैं। अब हम लोग एक जार लेंगे, जार में मैंने ये मिंट लीफ को डाल दिया है, और ये थोड़ा सा ये धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीफ इसमें मैं डालूंगी, ये डाल दी हूँ मैं। और इसके अलावा मैं 2 ग्रीन चिली, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग तीखा बढ़ा सकते हैं, 2 के जगह 3 भी ले सकते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए ये 8 से 10 ये लहसुन की कलियाँ, इसे मैं डाल दूंगी, और नमक, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ये डाल ले, और ये लेमन, लेमन देखिए हाफ मैं ले रही हूं, इसका सीड्स को आप निकाल के इसमें निचोड़ लेना है हमें। ये मैं सीड्स निकाल दी हूं और इसमें मैं ये हाफ लेमन निचोड़ दूंगी। ये नींबू निचोड़ने के बाद हम लोग इसमें बिना पानी मिलाए इसे दरदरा पीस लेना है हमें। तो चलिए हम लोग पहले इसे थोड़ा दरदरा पीसते हैं, फिर मैं बताती हूँ इसमें और क्या ऐड करना है। ये बिना पानी का मैंने मिक्सर चलाया है, तो इस तरह से दरदरा सा आपको पीस लेना है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है दही, ये दही हमें ऐड करना है। ये देखिए, ये मैंने 6 से 7 चम्मच दही डाला है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप योगर्ट ही ले, आप पानी वाली दही भी ले सकते हैं, दही का पानी भी थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। इसे अब हम लोग अच्छे से ये साइड से हटा देंगे, और उसके बाद फिर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे फिर से चला के। ये अच्छे से ग्राइंड करने के बाद, पूरा फाइन ग्राइंड करना है आपको, और ये ग्राइंड करने के बाद अब हम लोग सबसे लास्ट में ये चीनी मैं इसमें ऐड करूंगी, और चीनी ऐड करने के बाद मैं इसे एक बार चलाऊंगी। ये देखिए, पीसने के बाद ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, इस तरह से इसकी थिकनेस ये देखिए इस तरह का आपको रखना है। अगर आपको, आप सफ़र कर रहे हैं, अगर इसे आप बहुत ज़्यादा पानी सा नहीं रखना चाहते, थिक चाहिए, तो आप दही की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये हमारी यमी टेस्टी पुदीने की चटनी रेडी है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, और समर में तो पुदीने का अपना ही मज़ा है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। और अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।